नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं अलीगढ़ के खेर क्षेत्र में, जहां तहसीलदार के ड्राइवर द्वारा ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत केएल पंडित जी खैर ने की है। एसएसपी से और जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की है। शिकायत में अपने प्रार्थना पर आरोप लगाया है कि तहसीलदार का ड्राइवर और इंस्पेक्टर खैर का ड्राइवर हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जाती है। यह जानकारी केएल पंडित खैर ने ऑडियो वायरल करते हुए कहा है। तहसीलदार से जानकारी की करना चाहा तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर जो है मेरे बगैर पूछे गाड़ी लेकर के चला गया था, जो कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कल आप कहाँ कहाँ गए? मैं तो कहीं ना गया जी कल। हैं? मैं तो कहीं ना गया कल। ये जहुआ अंकल जी ने जानो आप? हैं? जहुआ अंकल जी जो तहसील के हैं। जहुआ अंकल जी तहसील का, असल मैं गया कल पचावरी जी। सतीश गौतम है ना, ये मेरे मैया ससुर लगे जी, मेरे चाचा के लड़का के। अच्छा। हाँ, मैं दुखी होके लास्ट में जब तहसीलदार ने मना कर दी ना कि 14 दिन जाओगे, जब मेरे ड्राइवर ने सोनू तो सब चीज की पता, मेरे ड्राइवर ने कुछ करो ही ना, मेरी गाड़ी बंद कर दी, फिर ड्राइवर ने ना छोड़ा मेरे, तो मैं तो वहाँ गया पचावरी तो फिर फोन करो सतीश गौतम को, फिर पता ना कहाँ कहाँ से लगी, मैं तो यही इलाके का अनजान आदमी तो हूँ, रोज छोड़ आ रहा हूँ मैं। हाँ, फिर मैं तो ड्राइवर छूट के ना छूटते तो आज मैं पिताजी ने लेके वहाँ कोठी पे पहुँच तो सतीश गौतम को। बता रहे तुम्हारी वीडियो बनी कर ली मैंने, देखो जी वीडियो बना ली कुछ बोल रहे हो, ठीक है और एक HR 40 नंबर की जी, HR 40 कोई ना है ना जी, HR 40 की जी ना, एक जी और एक गाड़ी हुई जो है तुम्हारे दूसरे मिल रहे आए वहाँ पे, वो दूसरे मिलने में पता ना कौन आया मिलने में, तो भेजन में आप ही तो आयो सीधो, तुमने भेजे वो? मैंने कौन भेजे, मैंने तो कोई ना भेजे, आज के जी जो 786 नंबर वाले थे फोन ना हारो जी, एक थे जान आपसे मिला हो वो आपको जानकार हो जी हो? अच्छा। हाँ, मेरे को जानकार थोड़ी बात नहीं बताई, मैं 786 वाले ने SS के फोन मिल लिया, वो HR 28 नंबर कौन की थी हमारे एरिया की गाड़ी जो गाड़ी लगा रही थी जो HR 28 नंबर की शिफ्ट ना है जी? हाँ, शिफ्ट तुम्हारी यहाँ की गाड़ी हो, वही तो पकड़ो रही थी गाड़ी ने, आगे तो वही लगा रहा गाड़ी ने जी, गाड़ी का आगे तो वही लगा रहा सबसे पहले जी, वो ना आई, वो तो दूसरी गाड़ी है, आप गाड़ी जी HR 28 HR 28 आप गाड़ी जी? मेरी गाड़ी है, मेरी तो UP 81 584 वाली है सरकारी गाड़ी ना, ये तो सरकारी गाड़ी तो पीछे आई, एक शिफ्ट HR 28 नंबर की, एक शिफ्ट HR 40 नंबर की, क्या ये दो वो तो वहाँ खड़ी गाड़ी HR 40? हाँ, वो वहाँ खड़ी। और HR 28 जी? HR 28 ही मालूम है भैया, वही तो लगा रही गाड़ी ने आगे जी, गाड़ी का आगे तो वही लगाई थी, हमारे ड्राइवर तो बता रहा जी वही लगाई गाड़ी का आगे जी, जब वाला रुक गई, जब दोनों ये पूछ रहे हैं ड्राइवर साहब कहाँ है, मैं गाड़ी दो पड़ी मैं, तुम तो बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी है यूपी HR 28 नंबर भी, और जब पीछे अखबार जब वो रुक गई है वो आते फिर बताइए यार, कोई बात कर रहे हो यार, मेरी गाड़ी मेरे का मतलब है HR 28 का मतलब है, जीरो 584 का मतलब है, अरे मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा चार गाड़ी में चलाऊंगा, 0584 तो वो है आपकी बोलेरो वो तो पीछे ये HR 28 ने तो गाड़ी रुकवाई हुआ ना जी, अब तो क्या बात है मालूम, समझ रहे हो, मैं तो ड्राइवर ही जाऊँ भैया, हर चीज मुझे मालूम होगी, बताओ
अब बताओ तो जी, अब कोई हो रही हो सेटिंग एटिंग तो बता दो जी। हम तो भाई मेरी आप कह रहे हैं। देखो भैया, आप तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप तो मैंने भूतना बता दी। मेरी पहली बात, मैंने आपका फिर क्वार्टर में ऐसा काम करो ही ना, ठीक है? ना करूँगा वो तो, बस दो रोटी अपनी आराम से मिल जाने, मैं तो उनमें भरपूर हूँ अपनी, समझ रहे हैं? लेकिन मैं यही कह रही हूँ भैया को नुकसान ना होना चाहिए। साठ सत्तर में ना छूट रहे हो, 1.5 लाख में छूटेगी कहीं हो? हैं? अब 60-70 हजार में ना छूट रहे हो, 1.5 लाख में छूटेगी? कौन मांगे 60-70 हजार, ये तो बताओ। 70 हजार तुमने बैठते ही 70 हजार रुपये मांगे, 70 हजार रुपये एक गाड़ी के पैसे दे दो। अब 70 हजार, हम इतने पैसा ऐसा, मैं अगर यहाँ तुरंत हो तो दे भी दे तो। अब मैं हरियाणा तो आई थी एक देर में, यार वही बात कर रहे हो तुम, भैया बंदी की बात कर रहे हो मुझे? भैया वाली बात कर रहा हूँ, भैया वाली तो बात कर रहा हूँ, और कहा कर रहा हूँ जी? तुम्हारे फोन आएगा ना भैया, कोई बात ना, मैंने छुड़वा ले जाओ, छुड़वा ले जाओ, है ना? मैंने तो आपकी सिफारिश करी, करी ना करी, बताओ। मेरी सिफारिश जब होती जब मैं 70 हजार रुपए तो दे देता हूँ गाड़ी छुड़ाने के, और जो दूसरी गाड़ी जाकर ऊपर था ना, मेरे ड्राइवर बंद कर रखे है ना, वापस 50 हजार रुपए लिए। कौन ले? जाके ऐसा चौक तेने कह दी गाड़ी भागी, वापस रुपया लेके तेने गाड़ी भगा दी और हमारा ड्राइवर बंद करवा दिए। ना मेरे काम तो है भैया, ऐसी बात कर रहे हो आप? गाड़ी गाड़ी जो दूसरी गाड़ी वहाँ से मजिस्ट्रेट साहब तो आगे वहाँ से छोड़ गए, तू आज के बाद शिफ्ट में लेकर वहाँ खड़ा रहो, और 50 हजार की डीलिंग करके हमारे ड्राइवर ने फंसाया है। अरे डीलिंग कर तो हमारे लेके एक की कर, फ्री की कर, 50 कर, 1 लाख कर, हमें कोई दिक्कत ना, पर यार हमारे ड्राइवर ने तो फंसा तो। यार कसम खाओगे अपने ड्राइवर ने कहा तो फंसाओगे? मेरे ड्राइवर अब बिना छूटे, मेरे ड्राइवर हवालात में छूट तो गई रात है ना, छूटे मेरे ड्राइवर अब भी हवालात में। भैया छूट गए ना, छूटे ना, मैं भी तो कह रहा हूँ मेरे ड्राइवर अब भी हवालात में, वही में मेरे जगह अंकल जी ना मजा लेके तुम और ड्राइवर पे आप हटा रही है मेरे इन पे। शनिवार के दिन गाड़ी बंद हो, ये मेरी, और आज मंगल हो गए, 24 घंटा तो लाउट वैसे हवालात में रखना, मंगलवार होगा आज, मंगलवार इतनी ताना सही चला, तू अफसर की सीट पे बैठा हो, अफसर के कंधार पे बैठा हो भैया, हम मंजूरी कर रहे हैं, रोड पर डोल रहे, तू तारा सही चला, ठीक है? सुनो आज आज छोटी जी मेरी बात सुन लो, ठीक है? मैं तो भैया भैया करके आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? समझ लो, लेकिन मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अपने ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है? तुम जानो अधिकार ड्यूटी ड्राइवर है तो चलाऊंगा ना चलाऊंगा गाड़ी, ना चला देंगे तुम गाड़ी, गाड़ी क्यों चला, नौकरी ना करो तो गाड़ी ना चलाएगा तो बताओ। अब यार तो आज इतनी अन्याय भी कोई ऊना है जब तो तू अपने रुपया के लालच में इतना अंधा होगा, मेरे ड्राइवर ने बंद करो यार, वो भी तो गाय के लड़का है, जैसे तू अपने वहाँ पर का लड़का, तेन पैसे ही पैसे देगा, कुछ और कुछ ना देगा। मैंने पैसा कोई पैसा ले लिया, ले लिया गाड़ी पे तो हमें कोई रखना ना है, हमें कोई दिक्कत ना, हमारे ड्राइवर ने तो बंद मत करवा तो भाई, गाड़ी बंद होगी होगी, ड्राइवर ने तो बंद मत करवा तो कम देगा। भैया मेरी आज की तो सुन लो तुम, आप घर में दिखा रहे हो, है ना? वो दिखा रहे हो तुम, कोई बात ना सुन रहे।